हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। एक मैकेनिज्म होता है एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन का, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। मतलब एल्कोहल को अगर कोई एसिड देके और कैटलिस्ट देके उसको डिहाइड्रेट किया जाए, मतलब उसमें से पानी निकाला जाए, तो उसका जो मैकेनिज्म होगा, डिटेल में मैकेनिज्म जो होगा, इससे क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव में या बोर्ड में कभी भी आ सकता है। तो ये मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोग रिएक्शन तो जानते हैं पर मैकेनिज्म नहीं जानते, तो डिटेल में मैकेनिज्म देख लेते हैं। सपोज आपके पास कोई अल्कोहल है, सपोज आपके पास CH3, CH2 और OH, ऐसे करके आपके पास इथेनॉल है, बहुत कॉमन एक अल्कोहल है। और उसमें हमने क्या दे दिया, उसमें हमने दे दिया H2SO4, उसमें हमने क्या दे दिया, H2SO4 दे दिया। H2SO4 जो होगा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दिया और उसमें हमने हीट दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, हीट यहाँ पर ऑलमोस्ट 170 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ऐसा रखता है, 140 से ऊपर। 140 दोगे तो अलग चीज हो जाएगा, तो इधर 170 से ऊपर लगता है। तो क्या होगा, इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, मतलब लेफ्ट वाला जो कार्बन है इसमें से एक हाइड्रोजन को लेके और ये OH को लेके पानी जो है निकल जाएगा, क्योंकि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एल्कीन तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कीन तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा था क्या, एल्कोहल, यहाँ पर था एल्कोहल। तो ऐसे एल्कोहल से अगर एल्कीन बनाया जाए, इसको ही बोला जाता है कि एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन। जब तुम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज करोगे, अगर एरो के ऊपर H2SO4 नहीं देखे ऐसे H+ लिखा हुआ हो, तब भी तुम्हें समझ लेना पड़ेगा कि H+ हीट का मतलब ही है इसमें क्या हुआ, एल्कोहल में कोई एसिड दिया है, मतलब यहाँ पर एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन होगा। अब ये तो हो गया रिएक्शन, इसका डिटेल मैकेनिज्म क्या होगा, इसमें हम लोग चले आते हैं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे, मैकेनिज्म क्या होगा और कितना स्टेप में ये होगा। तो मैकेनिज्म, तो जो मैकेनिज्म यहाँ पर है, ये अच्छे से हमें देखना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर होगा। इसके लिए हमें तीन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तीन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। इधर जो है हमारा इथेनॉल था, इथेनॉल से हमने बना दिया क्या, इथीन बना दिया, मतलब एक एल्कीन बना दिया। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया है, इसमें कोई भी एसिड यूज कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस H2SO4 यूज होता है। अगर कोई भी जगह पे ऐसे H+ लिखा हुआ हो, तब भी समझ लेना कि यहाँ पर जो है एसिड हमारा बन गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो होगा, जो H+ इधर से जेनरेट किया है, मतलब H2SO4 से जो H+ जेनरेट किया है, जैसे कि इधर करेगा, क्या हुआ स्टेप वन, क्या हुआ स्टेप वन, तीन स्टेप है मैंने बोला है। तो आपके पास सपोज H2SO4 है, तो H2SO4 क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा 2H+ और SO4 2- में, 2H+ और SO4 2- में ऐसे डिसोसिएट कर जाएगा। अब ये जो H+ इधर बना, ये जो H+ इधर बना है, ये H+ अटैक करेगा वो जो अल्कोहल था उसको। तो अल्कोहल हमारे पास क्या था, इधर ऐसा कुछ था CH3 C H H और इधर OH, ऐसे हमारे पास था। अब इधर अटैक होगा, अब ये ऑक्सीजन के पास ऐसे दो लोन पेयर होता है। ये जो H+ ऊपर बना है, ये वाला जो H+ बना है एसिड से जो आया है, ये H+ अटैक करेगा, तो ये H+ ऐसे यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब ये स्टेप जो है वो बहुत फास्ट होता है, ये फास्ट होता है। तो अब ये H+ किधर जाएगा, ये H+ जाएगा और अटैक करेगा जो OH का जो दो लोन पेयर है, उसमें से एक लोन पेयर को ये ले लेगा H+, क्योंकि H+ के पास कोई भी जगह बहुत सारा खाली है, क्योंकि उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो जाएगा और इधर जाके क्या करेगा, ये एक लोन पेयर को ले लेगा और H+ इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इधर तैयार जो होगा वो क्या होगा, तो इधर तैयार जो होगा वो है CH3, ऐसे तो था ही, फिर उसके बाद C ऊपर H था, नीचे भी H था, इसमें कोई भी चीज अभी तक ऑल्टरेशन यहाँ पर नहीं हुआ है। फिर इधर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा,
एच प्लस और इधर एक एच, ऐसे करके वो एच का जो एच था वो ऊपर चला गया और वो एच प्लस ऐसे चला आया, और इधर क्या हुआ, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इधर दो लोन पेयर था और इधर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला दो लोन पेयर था, इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है क्योंकि एक लोन पेयर जो है वो एच प्लस ने ले लिया है, ऐसे करके। तो ये हमारा था इथाइल अल्कोहल, ये क्या था, इथाइल अल्कोहल, ये हमारा जो बन गया इथाइल ऑक्सोनियम आयन, इसको क्या बोला जाता है, इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ये हमारा स्टेप वन कंप्लीट हो गया, ये बहुत फास्ट होता है, तो ये स्टेप वन फास्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप टू, ये जो इथाइल ऑक्सोनियम आयन बना इसको ही लेके हम लोग कुछ करेंगे। तो स्टेप नंबर टू, अब स्टेप टू क्या होगा, देखो इधर तो इथाइल ऑक्सोनियम आयन बना है तो उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे CH3, C ऊपर में H, ऐसे नीचे में H, ऐसे O, इधर H और H प्लस, ऐसे करके लिख दिया, और इधर एक लोन पेयर आपका प्रेजेंट है, ये आपका बना। अब ये फर्दर क्या करेगा, स्पॉन्टेनियसली डिसोसिएट करेगा, पर स्लोली, ये बहुत स्लो होता है, स्लोली बट स्पॉन्टेनियसली इधर डिसोसिएट करेगा और क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो H O और H है, इधर मैं अगर रेड से मार्क कर दू, ये जो H O और H है ये टूट के पूरा क्या बना देगा, देखो H O और H मतलब H2O, ये पानी बन गया। अब ये अगर पानी बन गया तो ये प्लस चार्ज जो है, ये प्लस चार्ज क्या होगा, ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा क्योंकि उधर से ही पानी निकला है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3, फिर CH ऐसे रहेगा और इधर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, वो प्लस चार्ज कौन सा है, वो H प्लस का जो प्लस चार्ज है, और ये स्लो स्टेप होगा, यही यहाँ पर स्लो नहीं है, ये स्लोएस्ट है, ये स्लोएस्ट स्टेप इधर होगा, यही इसका रेट डिटरमाइन करेगा, इसीलिए इस स्टेप को बोला जाता है क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हो आप RDS, कोई भी जगह पे अगर बोला जाए कि RDS कौन सा होगा, इसमें स्टेप नंबर टू होगा जहां पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया है, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर जो है एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ चुका है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटोनेशन, मतलब फर्स्ट स्टेप जो है प्रोटोन से अटैक करेगा, तो ये ऊपर वाला जो स्टेप है ये प्रोटोनेशन है, ये प्रोटोन है H+, तो ये प्रोटोनेशन है। नेक्स्ट होगा क्या, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, और यही स्लोएस्ट स्टेप होगा और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी इधर होगा। तो ये कार्बोकैटायन जनरेट कर चुका है, अब ये कार्बोकैटायन से इथाइल ऑक्सोनियम आयन से ये कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन जनरेट कर चुका है, ये कार्बोकैटायन ही स्टेप नंबर थ्री में जाएगा और जो इथिलीन है उसको बनाएगा। तो कैसे देख लेते हैं, इधर तो स्टेप थ्री में क्या होगा, आपके पास जो कार्बोकैटायन बना है, जैसे कि मेरे पास ये बना है CH3, सी यहां पर H, इधर में H और इधर में एक प्लस चार्ज, ऐसे आपके पास बना है। ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, फर्दर स्पॉन्टेनियसली ये जो लेफ्ट वाला, इधर अगर रेड से मैं मार्क करूं, इधर अगर ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला को टू कर दो तो CH3 से CH2 बना दो और इधर से एक H को निकाल दो, इधर से एक H को क्या करो निकाल दो। तो ये जो H है इसको अगर निकाल देगा, मतलब ये जो प्लस चार्ज है इसको बैलेंस करने के लिए, इसको अगर निकाल देगा तो कैसे निकालेगा इधर जानना जरूरी है। तो ये बॉन्ड जो है कुछ इस तरीके से टूट जाएगा, अब ये जो एरो हेड है इधर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये H प्लस जो है ये पॉजिटिव चार्ज से निकल जाएगा। तो ये रिवर्सिबल वे में क्या करेगा, CH2 बना दिया क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया है यहाँ पर, और डबल बॉन्ड हो गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी था और एक बॉन्ड यहाँ पर वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आ चुका है, और CH2 इधर बन गया।
तो ये जो प्लस चार्ज है वो माइनस से नलिफाई हो गया और इधर नीचे वाला जो एच है वो प्रोटॉन करके निकल गया, मतलब एच प्लस करके निकल गया। अभी एच प्लस क्या करेगा, दूसरा कोई अल्कोहल को पकड़ेगा और फिर ये चीज चालू हो जाएगा। तो मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है और ऐसे करके तुम्हारे पास जो बन गया ये इथीन बन गया, इथीन या इथिलीन कुछ भी बोलो, तो ये आपके पास बन गया। तो ऐसे कोई भी अगर एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन करना है, मतलब एसिड देके उसमें से पानी निकालना है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, तो ऐसे ही किया जाता है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर तीन स्टेप मैंने बोला था, तीन स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक स्टेप जो होता है क्या, एक स्टेप होता है स्टेप नंबर वन, वो है प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटोन से अटैक करना, वो बहुत फास्ट होता है और फास्ट होता है इसीलिए इरिवर्सिबल भी होता है। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर सिंगल एरो हेड यहाँ पर है, तो ये इरिवर्सिबल होगा। जो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है उसमें इक्विलिब्रियम रीच नहीं कर सकता, वो ऑलवेज इरिवर्सिबल होता है। ये रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो इधर प्रोटॉन अटैक होगा और इथाइल ऑक्सोनियम आयन तैयार होगा। नेक्स्ट क्या होगा, स्टेप नंबर टू में क्या होगा, स्टेप नंबर टू जो है वो स्लोएस्ट स्टेप है, वो डिटरमिनिंग स्टेप है, उसमें कार्बोकैटायन जनरेट करेगा। जो प्रोटॉन अटैक करके H2O है वो निकल जाएगा, तो यहाँ पर H2O निकल गया और उधर क्या हो जाएगा, H2O निकल जाने से वहां पर कार्बोकैटायन जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इधर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो गया है और प्लस चार्ज भी आ चुका है। और लास्ट वाला जो स्टेप है, कार्बोकैटायन जो है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, उसमें उसका जो लेफ्ट वाला इधर कार्बन है, अगर राइट में हो तो राइट से भी निकाल सकता है, तो लेफ्ट वाला ऐसा जो कार्बन है, लेफ्ट वाला कार्बन में से हाइड्रोजन को प्रोटॉन करके निकाल देगा, जैसे यहाँ पर निकाल दिया, तो उसमें कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करके ये एक नया बॉन्ड तैयार कर देगा जो ऊपर यहाँ पर कर दिया है। तो ऐसे करके हमारा इथीन मॉलिक्यूल जो है वो बन चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।